मालू जी माइक है ना, माइक माइक हाँ, क्या बोलना क्या क्या है? अब आप आपने बात करी ना, विषय मेरे को जमे नहीं। हाँ नहीं तो मेरे को बोलना था, मैं पहले दे। ये कुछ पढ़ लो जरा, कभी इसमें से कोई काम आता हो। हाँ भाई हेलो, चुनाव के काउंटडाउन अंतिम दौर में आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री, पश्चिम बंगाल के प्रभारी और हम सब के नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी आपसे रूबरू होंगे। पहले वो अपनी बात कहेंगे, फिर आपसे आग्रह के एक एक करके एक बार में एक प्रश्न करें। मित्रों मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा आने में विलंब हुआ। कुछ जरूरी जानकारी मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर को भिजवाना थी और वो 11 बजे के पहले भिजवाना थी, इसलिए मैं आने में विलंब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। परसों पाकिस्तान की संसद में मंत्री ने, इमरान खान जी के मंत्री ने एक बयान दिया कि पुलवामा की घटना हमारे कौम की सफलता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता ने जब पुलवामा की घटना हुई थी तब कहा था इसकी गंभीर जांच होना चाहिए, यह एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उनके इस बयान को पाकिस्तान के अखबारों ने फ्रंट पेज लीड दी थी, वो वहाँ हीरो की तरह दिखाए गए थे। अभी अभी बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी जी और राहुल जी एक ही मंच पर थे, उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दे कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गई। यदि हम सामान्य भूगोल जानते हो तो 1200 किलोमीटर सेना अगर आ जाती तो दिल्ली के आसपास आ जाती। एक ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करें जिससे देश की सेना का मनोबल गिरे, यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, पर कांग्रेस के ये बयान क्या देश के हित में है, क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिला रहे?
एक ऐतिहासिक निर्णय देश की लोकसभा के अंदर हुआ, धारा 370 हटाने का। और ये कोई चोरी छुपे नहीं हुआ। जिस समय धारा 370 लगाई गई थी, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था। न सिर्फ विरोध किया था, देश भर के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेल भर दी थी। न सिर्फ जेल भरी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में वहां पर मौत हो गई थी। देश की एकता और अखंडता के लिए किसी भी राजनीतिक दल का ये पहला बलिदान था। और तब से लेकर आज तक धारा 370 हटना चाहिए, ये हमने हमेशा कहा है। पर एक अवसर मिला, धारा 370 हटी और आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को यात्रा निकालनी पड़ी थी। आज तिरंगा आराम से फहराया जा रहा है। इस देश में तिरंगे की आन बान शान के लिए जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब से हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उस तिरंगे को फहराने के लिए जम्मू कश्मीर में फोर्स के साथ जाना पड़ता था, मिलिट्री के साथ जाना पड़ता था, तब आप तिरंगा फहराते थे। आज एक नेता ने यह कह दिया कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ विरोध किया, तिरंगा हाथ में लेकर और श्रीनगर की गलियों में घूमे। इस देश के वातावरण को बदलने में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह की कितनी बड़ी भूमिका, ये आप समझ सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिन्होंने जब जो कहा वो करके दिखाया। आप सब जानते हैं कि जब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मैं तभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देता हूं कि आए और वहां पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी राजनीति की, देशहित की राजनीति की है। और कांग्रेस ने पता नहीं क्यों वर्तमान नेतृत्व जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है, वह पाकिस्तान में हीरो बन जाते, चाइना में हीरो बन जाते, फ्रंट पेज लीड मिलती, पर अपने देश में जीरो है। और इसलिए एक बहुत गंभीर प्रश्न है मेरा कि कांग्रेस इस देश का विकास चाहती है, विनाश चाहती है? कांग्रेस के नेता इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या हमारे पड़ोसी, हमारे विरोधी देशों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं? चिदम्बरम जी ने कह दिया कि धारा 370 लगाएंगे, शशि थरूर जी ने कह दिया कि नहीं, धारा 370 हटना इस देश का दुर्भाग्य है। उसने देश की जनता को निर्णय लेने का अधिकार कि कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में ले जा रही है। मुझे कहते हुए फक्र है, मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं देश हित, चाहे कूटनीति निर्णय हो, आज हमें कहते हुए गर्व है कि यदि हमारे खिलाफ कोई देश खड़ा होता है तो भारत के समर्थन में बहुत सारे ऐसे देश, ताकतवर देश, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए हम संघर्ष करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम अपने भारत के समर्थन में सेना भी भेजेंगे।
ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है प्रधानमंत्री जी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ के नौजवान मोदी मोदी नारे लगाते हैं। आज मोदी जी सिर्फ हमारे ही देश के युवाओं के आदर्श नहीं है, दुनिया की देशों के युवाओं के आदर्श, ये उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से आप पता लगा सकते हैं कि दुनिया के नौजवान आज उनके समर्थन में बात करते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी आज सिर्फ हमारे देश के नेता नहीं, विश्व के नेता बन चुके। और इसीलिए अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हमें वहाँ की जनता जवाब देगी कि कांग्रेस जिम्मेदार दल है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार दल है, चुनाव परिणाम से स्पष्ट होगा। मैं बंगाल का प्रभारी हूँ, आप सब जानते हैं, बंगाल में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। पिछले नवरात्रि के दौरान ही 5 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, और एक तो इतना विभत्स दृश्य है कि शायद सुनकर आपको भी लगे। संवेदना है कि नहीं सरकार के पास? सिर्फ मैं बताता हूँ, एक हमारा कार्यकर्ता है, उसकी 13 तारीख को हत्या हुई पुलिस कस्टडी में। 15 तारीख को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश उनके परिवार को सौंपने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई कैसे डेथ हुई ये तो बताओ, फिर से पोस्टमार्टम कराओ। प्रशासन ने मना कर दिया, वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि तत्काल पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। राज्य सरकार डबल बेंच में गई, डबल बेंच ने कहा कि एक बार फिर से सिंगल बेंच इसको सुने। सिंगल बेंच ने फिर राज्य सरकार को आदेश दिए कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए। आज तारीख तक, 21 तारीख को आदेश हुए, आज तारीख तक राज्य सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं किया। 13 तारीख से लेकर अभी तक उसकी लाश मर्चुरी में पड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश की भी बंगाल सरकार चिंता नहीं करती, ये बंगाल की परिस्थिति। तो इस परिस्थिति को लेकर भी काफ़ी बंगाल में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा मैं, क्योंकि आपके लिए प्रश्न मैं बहुत सारे छोड़ूंगा, उसका और सबके जवाब दूंगा, और एक एक करके आप पूछिएगा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव हैं। आप सब जानते हैं कि एक बयान मैंने दिया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि यदि दिल्ली इशारा करेगी तो हम सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही कांग्रेस में आक्रोश कमलनाथ जी के खिलाफ प्रारंभ हो गया था, और जो लोग नाराज थे उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया था। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी सरकार बनी है, हमें इस सरकार को काम करने देना चाहिए और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका है? सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ आए। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में, भी प्रजातंत्र खतरे में है तो किसके कारण खतरे में हुआ? आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए, आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फोन नहीं ले, और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ उतर जाओ सड़क पर। जब अहंकार में आप इतने डूबे हुए कि आपको कोई चिंता नहीं, और ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए जो कि देश के विकास में लगी हुई, ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण हुए। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? जो खुद्दार थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है,
आप तो मुख्यमंत्री बनके मुख्यमंत्री निवास में बैठ गए, पर जो जनता के बीच में जाते थे उन्हें किसान पकड़ते थे जिनसे कहा था कि 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे, वो नौजवान पकड़ते थे जिन्होंने कहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने कि आपके खाते में 4,000 रुपए पहुंच जाएंगे। मेरे यहां दूध बांटने वाला व्यक्ति, मैंने पूछा वोट किसको दिया, बोले कांग्रेस को। 25 साल से हमारे यहां दूध देता है और वोट कांग्रेस को दे रहा है। अरे साहब 5 रुपए लीटर बोनस मिलेगा, मेरे यहां 200 लीटर दूध रोज होता है, 1,000 रुपए रोज कमलनाथ जी से देंगे मेरे को, अभी मिला मेरे। मैंने क्या हुआ रे, तो बोले कमलनाथ जी के खिलाफ गांव गांव में प्रचार करने जा रहा हूं, कसम में गौ माता की, बोले कोई भी कांग्रेस को वोट मत देना। ये प्रदेश में वातावरण किसने खड़ा किया? आप प्रजातंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, आपने जनतंत्र का अपमान किया है, जो वादा किया एक वादा पूरा नहीं किया। यदि प्रजातंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो आपने की। मित्रों में आप सब जानते हैं, मैंने सार्वजनिक जीवन में मैं 75 से 75 से मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ, 74 से संघ विद्यार्थी परिषद, फिर 83 में पार्षद बना, 90 में विधायक बना, मंत्री बना, मैं महापौर के रूप में आपने मुझे काम करते हुए देखा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर गया तो बहुत रिच विधानसभा थी, बड़े बड़े लोग विधानसभा में थे, सामने अर्जुन सिंह जी बैठते थे, श्यामाचरण शुक्ला जी बैठते थे, मोतीलाल वोरा जी बैठते थे, कृष्णपाल सिंह जी बैठते थे, राजेंद्र शुक्ला जी बैठते थे, हमारे यहाँ पटवा जी थे, कैलाश जोशी जी थे, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं विधानसभा का सदस्य रहा। मैंने लोक व्यवहार देखा, लोक आचरण देखा, शब्दों की मर्यादा देखी, और बहुत तीखा भाषण मैंने पटवा जी का सुना, बहुत तीखा भाषण मैंने सरकार के खिलाफ अर्जुन सिंह जी का सुना विधानसभा के अंदर, पर शब्दों की मर्यादा थी, ऑर्नामेंटल शब्द होते थे। दुर्भाग्य से अब जो शब्दों की दरिद्रता हमने देखी, जो कमलनाथ जी ने शुरुआत की है, ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दुखदायी। मेरा बेटा ही मुझसे कहता है कि इसे किसे कोई पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला को आइटम बोलता है। और उसके बाद फिर अहंकार देखो, उनके नेता ने कहा कि ऐसे शब्दों से मेरा कोई वास्ता नहीं, पर क्षमा भी नहीं मांगता भाई, ये अहंकार है। अभी कुर्सी से हटने के बाद तो लोकाचार, लोक मर्यादा, ये भी वर्तमान प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व ने समाप्त की, और इसकी सजा प्रदेश की जनता देगी। मैं पूरे प्रदेश में घूम कर आया, पहले दौर में मैंने मालवा की, मालवा निमाड़ की विधानसभाएं देखी, दूसरे दौर में मैं चंबल ग्वालियर गया, फिर से अभी मालवा निमाड़ होकर आ रहा हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 28 की 28 सीट अगर जीत गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है विकास की, पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने फिर से, पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि इस प्रदेश को धंधेबाज लोगों से बचाया जाए। और इसलिए पूरे 28 में, आप सब जानते हैं 40 साल से राजनीति के अंदर,
किसी भी प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव कभी भी नहीं हुए, मेरी जानकारी के अनुसार। 2, 4, 5, 7, 8 विधानसभा के चुनाव होते हैं, पर ये 28 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये क्यों हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कमलनाथ जी का अहंकार जिम्मेदार है, दिग्विजय सिंह जी की अपने ही दल वालों के साथ राजनीतिक चतुराई जिम्मेदार। कभी कभी चतुराई भी महंगी पड़ जाती है, तो कांग्रेस को ये महंगी पड़ गई। इस चुनाव में तो हारेंगे ही, पर जिस प्रकार पहले लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सेवा की है, उसी प्रकार आने वाले 15-20 साल तक कांग्रेस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं। राहुल जी जितना कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कमलनाथ जी आपने और आपके भाई दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदेश के लिए किया है, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। इतना ही मुझे कहना था। आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछे। शुरुआत की थी पाकिस्तान की उसी संसद में एक सेकंड पार्ट था, तो वहां पे कहा गया था कि कैप्टन अभिनंदन को छोड़ने के इतना दबाव था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। भारत ने तैयारी कर ली थी, उस समय के तत्कालीन वायुसेना चीफ ने भी कहा था कि हमने फॉरवर्ड को डिस्टर्ब करने की तैयारी कर ली। क्या तैयारियां थी सरकार? देखिए, इस प्रकार की बातें इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं है, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही अपनी गलतियां, अपना दुस्साहस, अपना षड्यंत्र उनके ही नेताओं ने पार्लियामेंट में उजागर किया। मैं पाकिस्तान के ही पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं कि भारत की तैयारी की बात मेरे जैसा अदना सा आदमी एकदम बताना प्रमाणिक नहीं होगी। तैयारी थी, ये भारत ने भी कहा है और ये पाकिस्तान ने स्वीकार किया। आप तो प्रश्न एक ही होगा, बजरंग दल को दो प्रश्न पूछने के लिए आरक्षण नहीं है। आपने पश्चिम बंगाल को कि वहाँ अराजक स्थिति और भारतीय जनता पार्टी बार बार बंगाल को कोसती है कि वहाँ हत्या हो गई, मर्डर हो गया, कार्यकर्ता मारा गया। आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके पास राज्यपाल है, आपके पास होम मिनिस्टर है, क्यों नहीं वहाँ की सरकार को भंग कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए? ये पहला। दूसरा, दादा आपने खुददारी की बात कही है, कैलाश जी की बहुत पोजिशन है पार्टी में, ये इंदौर नहीं पूरा प्रदेश में रहता है। और ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आप यानी भी अच्छी निभाते हैं और दुश्मनी भी अच्छी निभाते हैं, तो क्या इस चुनाव में इसकी कहीं झलक आप, आपको किसका अनुभव है? मैं तो मोहब्बत से ही मरा हूं। मेरा तो मोहब्बत वाली रहा। आपने जो पहला प्रश्न किया है कि निश्चित रूप से केंद्र में सरकार हमारी है और कल ही महामहिम राज्यपाल ने गृह मंत्री जी को रिपोर्ट सौंपी है। गृह मंत्री जी ने भी एक टीवी चैनल के साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, पर हमारा प्रजातंत्र पे विश्वास है, हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ संवैधानिक तरीके से ही कार्रवाई करेंगे। तो कभी भी केंद्र सरकार का बहुत अपनी मंशा बता दी कि हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, हम चुनी हुई सरकार को पर्याप्त अवसर देंगे। मुझे लगता है कि हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वहाँ पर बिना राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर
नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया था वहां तक तो ठीक है, पर अब नौकरशाही का अपराधीकरण भी हो गया। अभी पिछले दिनों हमारे एक बहुत ही दमदार कार्यकर्ता मनीष शुक्ला को जिस तरीके से मारा गया, मुझे जानकारी मिली है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर जो मुझे जानकारी मिली है कि बांग्लादेश से शूटर लाकर और थाने के सामने, रोड के इस पार थाना है और इस स्थान पर आकर 10 जनों के बीच में एक व्यक्ति को गोली मारी, कार्बाइन गोली चली, कार्बाइन से मारा। थाने के सामने कोई भी अपराधी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता कि कार्बाइन लेकर आ जाए और मार दे। और एक हमारे कार्यालय मत पे, सब कार्यालय था छोटा सा, कार्यालय पे आके मारा। तो वहां बहुत दुस्साहस हो रहा है और सब अपराधी भी पुलिस की नजर में, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस कुछ भी सलीम जावेद की तरह कुछ भी कहानी बनाकर किसी को भी कर सकती है। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि उस मर्डर में मुझे फंसाने की कोशिश भी की जा रही है, कहानी ये भी बन रही है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी जो सांसद हैं वो उनके साथ घटना के 15 मिनट पहले तक थे और 15 मिनट बाद वो अलग हुए और मेरे घर आ रहे थे, क्योंकि मेरी और उनकी फ़ोन पे वार्तालाप, तो वार्तालाप शायद उनके पास कुछ होगी तो वो मुझे भी इन्वॉल्व करने की, मतलब मेरे पर भी 15-20 तो केस है, कोई सा भी केस लग सकता है, कभी भी लग सकता है। ऐसा है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बंगाल जैसे कठिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने का मौका मुझे पार्टी के नेताओं ने दिया, मुझ पर विश्वास व्यक्त किया कि मैं कर सकता हूँ ये, और मुझे लगता है कि मैं, मुझे कुछ अंश तक सफलता भी प्राप्त हुई। उस सफलता में मैं श्रेय लेना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, जिनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है, और बंगाल में हम एक अच्छा संगठन खड़ा करने में सफल हुए हैं, और हमें दावे से कह रहा हूँ कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरे भी तो है, 15 मिनट से आप ही पूछ रहे हो यार, अधी कर दिए आरजेपीटी से। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी सलाह में प्रदेश के नेतृत्व को जरूर बताऊंगा कि इसके बारे में एक बार बैठना चाहिए, और विशेषकर विधानसभा अध्यक्ष से जरूर कहूँगा कि एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाकर विधानसभा में भी, क्योंकि विधानसभा में भी बहुत सारी हल्की बातें पिछले दिनों हुई है और बार बार विधानसभा में कार्रवाई से निकालना पड़ा उसे, तो इस बारे में जरूर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। हर्षी, आपने मैं बताऊं, मैं अभी बंगाल को लेकर कुछ बहुत अपडेट हो रहे हैं, बार बार फोन आ रहे हैं, तो बंगाल में आपकी बड़ी सीमित मौजूदगी रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। अब जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो आपका फेस कौन सा रहेगा, और दूसरा जो लेफ्ट और कांग्रेस का एक अलायंस हुआ बनता दिखाई दे रहा है, इस तरह की बात भी चल रही है, तो कितना बड़ा खतरा मानते हैं? नहीं देखिए, वहां पर सीधी सीधी लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तीसरा दल वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस हो रहा है, हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया, उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा का वोट बैंक वहाँ पर एक खड़ा हो गया,
पहली बात। दूसरी बात, अपने फेस की बात कही है। साधारणतया भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं रही वहां कोई फेस हमने रखा नहीं, जहां सरकारें नहीं। जैसे पिछला चुनाव अगर आप देखें तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी तो हमने कोई फेस नहीं दिया। हरियाणा का मैं इंचार्ज था तो हमने वहां पर कोई फेस नहीं दिया था। उत्तराखंड में हम लगातार हारे तो वहां हमने कोई फेस नहीं दिया। और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी फेस हमारी भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, यही हमारे फेस। देखिए, पहला प्रश्न का जवाब तो मैं दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट विचारधारा के ऊपर रहता, व्यक्ति के ऊपर नहीं रहता। हमें जब बचपन में जब संस्कार दिए तो वो इस प्रकार के दिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये हमें हमारे संस्कार है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ये अपने आप में एक सम्मान है। यदि मुझसे कहे कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और उमेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो बड़ा कौन है? तो उमेश बड़ा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग एक राजनीतिक दल नहीं, पटवा जी ने बड़ा अच्छा शब्द का सृजन किया था, पार्टी विथ डिफरेंस। हम एक परिवार है और परिवार के सदस्य में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठे हर कार्यकर्ता को गर्व होता है। चैलेंज ले लो, एक एक प्रश्न चैलेंज ही करो। मायावती और उमेश तो बहुत बड़ा है, तो दही बड़ा हो गया अब देखिए नजर का अंतर है। आपने दही बड़ा बोला, मेरे को मक्खन बड़ा लगता है। देखिए तीन बातें का एक कागज आपने देखा होगा कि बचपन में मेरी दुकान पे मेरे पिताजी ने लगाया था। तीन बातों का हमेशा ध्यान रखिए, समय, मौत और ग्राहक। इसी उसमें एक लाइन और थी, तीन पर हमेशा दया करो, पागल, बूढ़े और बच्चे, तीनों दया के पात्र। मुझे जानकारी नहीं, मैं इस खबर को टिप्पणी। पॉलिटिकल प्रश्न नहीं पूछते, देखिए सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। और 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नींद कम आती है, तो आदमी सपने ही देखता है और अच्छे सपने देखे तो बहुत अच्छी बात है, लोग तो बुरे सपने भी देखते हैं, तो अच्छे सपने देखना अच्छी बात है, मेरी शुभकामना। देखिए ये उनका निजी मत है,
और उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग जब काम करते हैं तो हार जीत को हम बड़े खिलाड़ी भावना से लेते, और इसलिए ऐसा कोई इज्जत वाला प्रश्न नहीं, पर हाँ नीति और अनीति के बीच में अंतर करने का प्रजातंत्र में एक अवसर मिलता है मतदान। देखिए अब ऐसा है कि हम आपस में सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे बैठने को कोई कुछ भी कह सकता है कि यार बाबू सिंह जी मुझसे सीनियर हैं, मुझे अंगली पकड़ के चलना सिखाया, और देखो बाबू सिंह जी बगल में बैठे हुए हैं और कैलाश जी पत्रकार परिषद कर रहे हैं। देखिए भाई ये भारतीय जनता पार्टी भाई साहब हमारे यहाँ सबको अवसर देती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को समझता है वो साधारणतया ऐसे प्रश्न नहीं करता है, क्योंकि ये बात सही है कि सिंधिया जी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, पर आप उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखेंगे तो हिंदू महासभा, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, एक पुराना संबंध भारतीय जनता पार्टी परिवार का, उनकी भुआ जी, दो भुआ, तो एक मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में समरस होने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, आप सब जानते हैं कि मेरे और सिंधिया जी के क्या संबंध हैं, पर मेरी अनुपस्थिति में भी वो घर गए और बच्चों के साथ बैठे, और मेरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। मैं बहुत आवश्यक मीटिंग में मुझे बंगाल जाना था, तो मैंने फ़ोन किया उनको कि आप घर तो आ रहे हैं पर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बंगाल में बुला रखे हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो ज़रा ठीक नहीं होगा, क्योंकि बंगाल बड़ा लंबा प्रदेश है, बहुत ऐसा लंबा भौगोलिक स्थिति है, तो 1000 किलोमीटर दूर से कार्यकर्ता, दार्जिलिंग 1000 किलोमीटर दूर, सिलीगुड़ी 900 किलोमीटर दूर, तो ऐसा तो मैंने कहा कि मेरा नहीं जाने से थोड़ा सा ठीक नहीं, क्योंकि मैंने ही बुलाया है। अरे बोले नहीं, मैं तो मेरा घर है, आपके होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता। तो ये संदेश है, इसको समझने वाली बात है कि मैं नहीं हूँ, उसके बाद भी परिवार के साथ बैठकर उन्होंने, तो ये एक बहुत नज़रिया, देखिए आप नज़रिया है, अब आप इसको किस प्रकार से देखें ये आपके नज़रिए के ऊपर। आप ले लो एक मिनट भाई, बहुत देर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में उभरते हुए नेता थे और प्रधानमंत्री तक बन सकते, लेकिन उनके सामने वो उनकी शरण में चले गए जिस बीजेपी ने उन्हें हराया। ये किसने कहा? दिग्विजय सिंह ने सभा में कहा है। क्या कहा? कांग्रेस के उभरते हुए नेता थे सिंधिया और प्रधानमंत्री तक बन सकते, लेकिन अब उनके शरण में चले गए जिस बीजेपी ने उन्हें हराया। नहीं, दिग्विजय सिंह जी तो उनसे बहुत सीनियर है, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं बने अभी तक, कितने सीनियर है। अरे भाई आप झूठ बोलो, पर इतना बोलो कि आप लोगों को मूर्ख समझे, कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच सकता है क्या? ये तो एक एक्सीडेंट था कि नरसिंह राव जी बन गए। जब इसके ऊपर मैं कमेंट करूं अच्छा नहीं लगता मुझे, पर इस पे कमलनाथ जी जरूर पूछना आप। देखिए महेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, मैंने अपने बात की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है, वो प्रदेश का नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जो लोग नई उम्र के हैं उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं देता, और ऐसे बहुत सारे नए लोग जो कांग्रेस में परंपरागत तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वो हमारे संपर्क में,
बहुत सारे लोग संपर्क, और इसलिए कांग्रेस, जैसे मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस शून्य देश हो जाएगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त देश हो जाए। बीजेपी पहले लगातार कहती रही होगी समारोह में कि किसानों के ऋण माफ नहीं हो रहे, लेकिन अब जब चुनाव के अंतिम बेला तो एक लिमिट बताई जा रही है कि किसानों को 2 लाख तक के ऋण माफ नहीं हुए, क्या बीजेपी मान रही है कि 1 लाख से कम के ऋण माफ नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। उन्होंने सोसाइटी का पैसा, सोसाइटी को खाली कर दी, राज्य के खजाने से पैसा खर्च नहीं किया उन्होंने, और एक उसका किसानों का ही पैसा सोसाइटी में जो जमा था वो खाते में जमा कर, अंश पूंजी का, सोसाइटी खत्म हो जाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई कि सोसाइटी को संभाल लेगी, अदरवाइज सोसाइटियाँ खत्म हो जाती। ठीक है भाई, थैंक यू। हम लोग भोजन करेंगे भाई साहब, तो वापस।